सारे मदर्स को हमारे तरफ से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। हम सबको पता है कि बीटरूट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पर आमतौर पर बच्चे या बड़े इसको खाने को पसंद नहीं करते। अगर हम इसको अलग तरीके से खाने में इस्तेमाल करें तो बच्चे क्या पूरी फैमिली इसको खाने को एंजॉय करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही आसान सा केक जो कम टाइम में बिना एग, ओवन और घी का बना सकते हैं, और वो है बीटरूट रेड वेलवेट केक। दोस्तों ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर स्टेप में मैं टिप बताती जाऊंगी। बहुत सारे लोग कोई भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, उसी कारण एक इम्पोर्टेंट स्टेप मिस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा केक बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी में एक फ्रेश उबाला हुआ बीटरूट को लीजिए। इसके साथ हम एक कप शक्कर, 1/4 ऑयल और 1/2 कप बटर मिल्क को डाल के ग्राइंड करके लेंगे। हमने यहाँ पे बीटरूट को बॉईल करके लिया है क्योंकि इससे केक पे सॉफ्ट होता है और इसका नेचुरल कलर उभर के आता है। उसके बाद मिक्सिंग बाउल में एक आटे की छलनी के मदद से 1 कप आटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा को ग्राइंड किया हुआ पेस्ट में मिक्स कर लीजिए। करते वक्त आपको हल्के हाथों से मिक्स करना चाहिए ताकि केक बनने के बाद सॉफ्ट और वेलवेट जैसे हो जाए। आप देख सकते हैं इसको बनाना इतना आसान है। केक की पूरी तैयारी करने के लिए लगभग 10 मिनट लगेगा। आप इसको आपके बच्चों के साथ बनाइए, बहुत ही मजा आएगा। इस लॉकडाउन में पूरी फैमिली के साथ बनाइए ताकि पूरी फैमिली को कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस केक को आप कोई भी नॉनस्टिक या कढ़ाई में बना सकते हैं, इससे आपका केक का शेप बनेगा। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करके लीजिए और केक बैटर डाल दीजिए। बच्चों को बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ऐसे जंक फूड देने से अच्छा है कि आप हमारा बीटरूट केक बनाइए, क्योंकि हमने यहाँ पे आटे का इस्तेमाल किया है और मैदा बिल्कुल नहीं है। हमने केक को कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है जैसे बाकी के वेलवेट केक्स में होते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी केक है। आप जब भी इस केक को बनाएंगे आप खुद देखना, बिना कलर का भी बहुत सुंदर रेड वेलवेट की तरह ही केक दिखेगा। इस केक को आप ढक के 20 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। अब देखिए ये केक अभी रेडी है। अभी इस केक को निकालने के पहले सारे कॉर्नर्स को आप हल्का सा उठाइए। इस केक का ये स्पेशलिटी है कि ये पैन या कढ़ाई में बिल्कुल चिपकता नहीं है। आप इसको अभी कोई भी प्लेट में निकाल के आप सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए ये रहा आपका बीटरूट रेड वेलवेट केक रेडी है। हमें यकीन है कि आज के बाद आपके बच्चे बीटरूट खाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।